हेलो गाइस, तो वी आर इन सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर। कौन सी जगह है ये? मानसरोवर। चलो तो अब अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं गाइस, कैसा है सिटी पार्क और जयपुर का आई थिंक सबसे बेस्ट पार्क है। यह है सिटी पार्क का मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ से एंटर करते ही कुछ इस तरीके का नज़ारा नज़र आता है। एक स्टील का बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एंड जस्ट नीचे वाटर फाउंटेन विद ब्यूटीफुल लाइट्स। तो यार ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलो मैं वीडियो में पूरा पार्क आपको दिखाऊंगा विद ड्रोन कैमरा व्यू एंड नाइट का व्यू यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। बट उससे पहले गाइस मैं पार्क की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। ये पार्क न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की थीम पे बनाया गया है और इस पार्क का टोटल एरिया है 52 एकड़ का, मींस ये 52 एकड़ में बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात गाइस, पार्क में पानी के लिए द्रव्यती नदी के किनारे 2 MLD का STP प्लांट लगाया गया है, जिससे पानी को रिसाइकिल करके पेड़ पौधों के लिए वापस यूज लेने लायक पानी बनाया जाता है। STP प्लांट क्या होता है अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम लोग STP प्लांट विजिट करेंगे और मैं उस वीडियो में पूरा दिखाऊँगा कि पानी को कैसे रिसाइकिल करके पीने योग्य वापस बनाया जाता है। तो गाइज इस पार्क में टोटल 65,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं एंड सबसे अच्छी बात ये है कि यार इन पेड़ पौधों का सर्वाइवल रेट है 100%, मतलब ये पेड़ पौधे कभी भी मुरझाएंगे नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसके अलावा गाइज इस पार्क में 17 जगह पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स लगाए गए हैं जो फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। एंड सबसे बड़ी बात गाइज इस पार्क में राजस्थान का सबसे ऊंचा इंडियन फ्लैग भी लगाया गया है और इस फ्लैग को वाटर फाउंटेन के अंडर लगाया है, मींस जब वो वाटर फाउंटेन चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे इंडियन फ्लैग को सलामी दे रहे हो। तो ये बहुत ही प्यारा एक पार्क बनाया है। एंड पार्क के दूसरे हिस्से की बात करें गाइस, तो दूसरे हिस्से में 3 एंट्री गेट होने वाले हैं जहाँ पे पार्किंग एरिया रहेगा, वुडलैंड पार्क रहेगा, अपर लेक है एंड चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, बॉटनिकल गार्डन, ओपन जिम, तो ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन दूसरे हिस्से की सबसे मेन चीज़ है वहाँ पे होगी फाउंटेन स्क्वायर जो लगभग 4,000 वर्ग मीटर में होगा एंड उसमें म्यूजिकल फाउंटेन एंड वाटर स्क्रीन पर जल चित्र की व्यवस्था होगी, मीन्स आपको पानी के अंदर फोटो वगैरह दिखेंगे। सो गाइज ये था ऑल ओवर हमारा सिटी पार्क। तो यार होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप जयपुर से हो तो एक बार सिटी पार्क जरूर विजिट करना यार, बहुत ही प्यारा ये पार्क है।